अस्सलाम व्यूअर्स, दिस इज़ न्यू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स फैसलाबाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट लाया हूँ जिसका ज़िंदगी में अब इस्तेमाल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो वन एंड ओनली जी मेरे हमारे पास आज एयर फ्रायर में एक ब्रांडेड एयर फ्रायर आया है, तो मैंने कहा आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दूं और इसमें कुछ फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं और लार्ज कैपेसिटी की गई है। साची का ब्रांड है जी, साची को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अरेबिक ब्रांड है और सबसे अच्छा अरेबिक वर्ड का सबसे अच्छा ब्रांड है। तो ये इसका न्यू जस्ट अभी न्यू एयर फ्रायर इन्होंने लॉन्च किया है जिसकी कैपेसिटी इन्होंने 8 लीटर रखी है। 8 लीटर इज़ अ ह्यूज कैपेसिटी इन एयर फ्रायर। इट मीन्स कि आप इसमें 2 किलो की चीज़ ईजीली जो है ना उसको फ्राई कर सकते हो। अब इसको मैं पहले आपको जो है ना इसकी एयर फ्रायर के बारे में मैंने पहले काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि वाई यू यूज़ द एयर फ्रायर। एयर फ्रायर के अंदर बेसिकली होता यह है कि आपके जो ऑयल है आप लोगों का कम लगता है और आपको फ्राइड फूड मिल जाते हैं, जिसके अंदर फ्राइड फूड में आप कुछ भी चीज़ें एयर फ्रायर के अंदर बना सकते हैं। और एयर फ्रायर में बहुत सारे चीज़ें और भी आप घर की भी कुक कर सकते हो, जैसे पोटैटो चिप्स होती है, जैसे रोस्ट होता है, जैसे इवन आप बारबेक्यू ग्रिल करते हो, इवन टोस्ट करते हो, इस तरह की कोई भी चीज़ें आप कर सकते हैं आप। जबकि अब तो एयर फ्रायर्स के अंदर बेकिंग की ऑप्शन भी आ चुकी है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बेक भी आप कर सकते हैं, चाहे आप पिज़्ज़ा बना लें, चाहे आप केक बना लें। चले जी अपने बॉक्स की तरफ चलते हैं और बॉक्स से मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ और फिर अनबॉक्स करके इसकी क्वालिटी और वाइज यू यूज़ द साची क्यों ये हाईली रिकमेंडेड है ये बता देता हूँ जी। ये साची का ब्रांड है, मेक्स लाइफ इजी इनका लोगो है जी। ये डिजिटल कंट्रोल पैनल है, टच स्क्रीन है, 10 कुकिंग फंक्शन है इसके अंदर, 8 लीटर कैपेसिटी है। इसका मॉडल है NL AF4781। 10 कुकिंग फंक्शन, 60 मिनट टाइमर। एक चीज़ मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताई थी कि एयर फ्रायर अगर आप छोटा लेंगे तो उसमें टाइमर आपका जो टाइमर होता है वो आपका होता है 30 मिनट का, बड़े एयर फ्रायर में टाइमर जो होता है वो 60 मिनट का होता है, ठीक है जी, ताकि आप लंबी रेसिपीज़ भी बना सकें। ईजी टू यूज़ विद डिजिटल टच कंट्रोल पैनल। और इसमें जी लो फैट विदाउट ऑयल, यानी 1 टीस्पून ऑयल के साथ कोई भी आप, या मैरिनेटेड ऑयल के साथ कोई भी आप फ्राइड फूड को एंजॉय कर सकते हो, लाइक विंग्स, रोस्ट, कुछ भी आप बनाना चाहो इसमें कर सकते हो। लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इसके अंदर बनती हैं, बहुत सारे एयर फ्रायर्स के की रेसिपीज़ के बड़े बड़े चैनल अब तो खुल गए हैं, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है जी। तो ये मॉडल वन ऑफ द टॉप बेस्ट मॉडल में से है, बड़ी फैमिली के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इवन यू कैन यूज़ इट ऑल्सो ऑन कमर्शल लेवल। 1800 वॉट की कैपेसिटी लेता है और 12 मंथ्स की साची अपनी वारंटी देता है, ठीक है जी। ये इनका NB0002 पास्ट है, यानी ये एक दुबई के अंदर एक ग्रेड होता है उसमें ये पास है जो है ना। लेफ्ट से बॉक्स करके देख लेते हैं जी। ले जी 10 कुकिंग फंक्शन में इसमें शामिल हो जाते हैं जी। आपका एयर फ्रायर है जिसमें आप फ्राइज़ बना सकते हैं, विंग्स इसके अंदर, ये बिलेटिन रेसिपीज़ हैं इसके अंदर। आप ये रेसिपीज़ को बटन पुश करके अगर कोई बच्चा भी ऑपरेट करना चाहता तो कर दे, यानी वो बटन सिर्फ प्रोडक्ट पुट करे और वहाँ से फ्राइज़ का बटन दबा दे तो सिंपल टाइमर टेम्परेचर खुद ही ले लेगा। इसी तरह विंग्स भी आप कर सकते हैं, इस तरह बैकऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। रीहीट फंक्शन भी इसके अंदर है, प्री हीट फंक्शन आगे एयर फ्रायर में नहीं आता था जो इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। बेकिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी, और रोस्ट भी कर सकते हैं और ब्रॉयल भी कर सकते हैं और डिहाइड्रेट का फंक्शन भी आगे एयर फ्रायर में नहीं था जो इसमें साची में ऐड कर दिया गया है। यानी आप फ्रूट्स को ड्राई कर सकते हो इसके अंदर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ड्राई फ्रूट्स को, यानी ड्राई करके आप मज़ीद उनको बेटर कर सकते हो स्टोरेज के लिए, और कीप वार्म फंक्शन भी है इसके अंदर। चले जी बॉक्स की अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। और ये इनका www.saachi.ae इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप ये देख सकते हो। ये मॉडल हमारे पास स्टॉक में आ चुके हैं, वेरी लिमिटेड स्टॉक और हाईली ग्रेड। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आप हमारे से यहाँ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या शॉप से आके भी बाइंग कर सकते हैं। चले जी अपनी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यू ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स फैसलाबाद जी। बॉक्स को अनबॉक्स कर चुका हूँ, देख लें आप इसके अंदर ये साची की सारी इंस्ट्रक्शन जी निकली है, ठीक है जी। ये इंस्ट्रक्शन सारी है इसके, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि हाउ टू ऑपरेट द एयर फ्रायर, आप कैसे ऑपरेट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे और किन चीज़ों से इसको आपने दूर रखना है, ये यूज़ से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ किस्म की यानी टेम्परेचर रेसिपीज़ अंदर दे दी गई हैं, ये इंटरनेशनल है, आप ख़ुद से भी इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, इसके अंदर एयर फ्रायर है, एक ट्रे है और एक बेसिक इसका यह बास्केट है। चलें जी इसको ओपन करते हैं।
ले जी, व्हाट अ लेविश लुक आपके किचन में पड़ा भी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की लुक दे रहा है। ब्लैक और सिल्वर कलर के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। साइड से ये बिल्कुल मैट है, यानी यहाँ से हीट अप नहीं होगा, और ऊपर से भी मैट रखा गया है और इधर से भी मैट रखा गया है। द लुक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कि इसकी लुक जो है ना बहुत आउट क्लास नज़र आ रही है। और ह्यूज एयर फ्रायर है इसके अंदर, पूरा टर्की चिकन आपका इजीली आ जाएगा। इवन यू कैन पुट द लैम, अगर आप मैरिनेटेड लैम भी बनाते हो तो इजीली इसके अंदर मैरिनेटेड लैम जो है वो आ सकती है। आप मेरा हाथ देख लो कि मैंने हाथ को फुल चौड़ाई से खोला हुआ है, लेकिन वो भी अभी इधर भी फासला है, इधर भी फासला है, इधर आगे भी और इधर आगे भी, डेप्थ में भी बहुत सारा नीचे जा रहा है। तो ये बड़ी फैमिली के लिए हाईली रिकमेंडेड है। चलें जी, इसको मैं स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ न्यू अली इलेक्ट्रॉनिक्स फैसलाबाद जी। अच्छा, ये जिसका कैबिन है जो मैं दिखा रहा था, ये कैबिन का ये ट्री है जिसको आप यानी सफाई के लिए बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप यानी सफाई के लिए, ये दोनों डिश वॉशर हैं, ऐसे ये लग जाएगा और हमेशा प्रोडक्ट आपने इसके ऊपर ही पुट करनी है। ठीक है, खाली इसको निकाल के पुट नहीं करनी, बिकॉज एयर फ्रायर नीड्स एयर फ्रायर फॉर रोटेशन, फिर इसमें फ्राइड फूड बनती है। चले जी, अब हम इसको लॉक करते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हो कैसा ब्यूटीफुल पैनल इसका है। ठीक है, ये टच पैनल में आप देख सकते हो कि सारी रेसिपीज इसकी शो हो गई हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने फ्राइज़ पे जाएंगे तो फ्राइज़ पे आप कर दें, या लाइक पहले इसको आप देंगे जी स्टार्ट का बटन देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चलता है। ये देखें जी, स्टार्ट पे आपने दिया तो एयर फ्रायर अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और इसमें है प्री हीट हीट फंक्शन। जब भी आप इस एयर फ्रायर को यूज़ करेंगे तो पहले आप देख सकते हैं कि प्री हीट प्रोग्राम पे ये जा रहा है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें प्री हीट फंक्शन रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आप प्री हीट फंक्शन को ऑफ करना चाहते हैं तो आप प्री हीट पे जाएं और इसको अनेबल कर दें। यानी ये देखें, आप प्री हीट नज़र नहीं आ रहा, अब सिर्फ वो मांग रहा है कि आप रेसिपी दे दो। अब लाइक आप फ्राइज़ पे जाते हो तो फ्राइज़ की रेसिपी दो, तो ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर और टाइमर इसने ले लिया है। लाइक अगर मैं वेरी करता हूँ, विंग्स पे जाता हूँ, तो विंग्स का टेम्परेचर इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। और जस्ट ऐसे ही रेसिपीज़ दे के आप यहाँ से बस स्टार्ट बटन दबा दें तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना जी कुकिंग पे हो जाएगा। और अगर आपने प्री हीट पहले करना है, ठीक है, तो प्री हीट का बटन दबा दें तो प्री हीट का फंक्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सारी शेयर कर दूँ। आप हो सकता है कि मेरी वीडियोस को देख देख के ये कहते हो कि आप एक ही टेबल के ऊपर एक ही तरह अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा ना देखते हो। लेकिन देखिए, मेरा टेक का चैनल है, मेरा काम है आपको बेहतरीन प्रोडक्ट का इंट्रो देना। मैं जो भी प्रोडक्ट जो पास होती है, लॉन्च होती है, जो भी गुड आर्टिकल होता है जो कि ज़बरदस्त होता है, तो मैं उसका रिव्यू आपके लिए लेके आ जाता हूँ कि आप, ताकि आपको मैं बेस्ट गाइडलाइन दे सकूँ कि ये प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशन वाइड और इंटरनेशनल लेवल पे पास है। तो दिस एयर फ्रायर इज़ वेरी हाईली रिकमेंडेड कि आप इसे चाहे यानी होम पे यूज़ कर लो, रैदर यू यूज़ इन्हें इसे कमर्शियल कर लो, ये एयर फ्रायर इंशाल्लाह आपके पूरे मेयार पे पूरा उतरेगा। ले जी, मैंने इसका शॉर्ट डेमो आपको दे दिया सारा। ठीक है, तो अगर आपको एयर फ्रायर के बारे में कोई रेसिपीज़ वगैरह जाननी हो तो वो रेसिपीज़ आप यूट्यूब के अदर चैनल से भी ले सकते हो। तो अगर आपको ये एयर फ्रायर ऑनलाइन चाहिए तो ओरिजिनलिटी के साथ, वारंटी के साथ हमारे यहाँ से आपको मिल सकता है और आप इसको हमारे यहाँ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और दुआ में याद रखें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।